नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और घंटे का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आधार कार्ड को बैंक से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है, इस कारण आपने भी अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाया होगा। लेकिन आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे आप आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन या पीसी में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और गूगल में टाइप करेंगे UIDAI। यहाँ पर सबसे पहले आपको UIDAI.gov.in जो कि आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। यह काम आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं और आपने पीसी में भी कर सकते हैं, यह काम पीसी और फ़ोन दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो है माई आधार का, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, गेट आधार, अपडेट योर आधार, आधार सर्विस। यहाँ पर जो आधार सर्विस दिखाई दे रहा है इसके नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक आधार बैंक लिंकिंग स्टेटस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, या फिर इसका लिंक डायरेक्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले कहा गया है आधार नंबर फिल करने के लिए। अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। या फिर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप अपने वर्चुअल आईडी यानी कि 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे, उसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। मेरे पास आधार नंबर है तो मैं अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद आप कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, उसे आप यहां पर एंटर कर देंगे। हो सके ये साइट थोड़ा स्लो काम कर रहा हो जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद एंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड रिसीव होने के बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड को एंटर कर देना है, यानी कि अपने OTP को एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज़ बिन डन, यानी कि आपका आधार जो है बैंक से लिंक हो चुका है। अब कौन से बैंक से लिंक हुआ है वहाँ देख सकते हैं, ये आधार नंबर है आपका दिया हुआ है। उसके बाद बैंक लिंकिंग स्टेटस यानी कि एक्टिव है या इनएक्टिव, तो मेरा एक्टिव है। उसके बाद बैंक लिंकिंग डेट यानी कब बैंक लिंक हुआ। उसके बाद बैंक कौन से बैंक में लिंक हुआ, यहाँ देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड के नंबर से यह चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं। आशा करता हूँ इस वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।